Dear students, welcome on RC online Patsala. Today we start next question. 2 minus x into x minus 5 greater equal to 0. और देखिए ध्यान से, ये मैंने आपको लास्ट क्लासेस में ये ट्रिक्स लिखवाई थी और मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आपने इसको याद कर लिया होगा, लर्न कर लिया होगा. फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, जब आपको ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू मिले उस टाइम आपको पॉजिटिव साइन यूज करना है. लेस देन या लेस देन इक्वल टू हो तब आपको नेगेटिव साइन यूज करना है. और ग्रेटर देन या लेस देन हो तो स्मॉल ब्रैकेट या ओपन इंटरवल. ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू हो तो आपको क्लोज इंटरवल यूज करना है. इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हो तो ओपन इंटरवल ऐसा दिखाई दे, ग्रेटर लेस देन या फिर ग्रेटर देन हो तो आपको ब्लैंक सर्कल यूज करना है. ऐसा दिखाई दे तो डार्क सर्कल, और इस वाले पे ओपन इंटरवल और इस वाले पे क्लोज इंटरवल. इतना हमारा कंप्लीट हो चुका था. अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं. तो देखिए, अब तक जो हम पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं और आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को भी बताता हूं. देखिए, पहले यहां पे x माइनस फाइव है लेकिन यहां पर 2 माइनस एक्स है. इस 2 माइनस एक्स को हमें x माइनस टू में चेंज करना पड़ेगा. तो देखिए कैसे करेंगे. एक बार 2 माइनस एक्स है, इसमें आप माइनस कॉमन लो तो क्या आएगा, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो माइनस एक्स प्लस टू, और फिर यहां से माइनस कॉमन लोगे तो यहां से आपको x माइनस टू माइनस का मिलने वाला है. इसको आप सोल्व करके देख लो, माइनस एक्स प्लस टू और ये क्या हो जाएगा, टू माइनस एक्स. ये ऐसा ही है. आपको ये x माइनस टू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लो और x माइनस टू, और करना कैसे, इस तरीके से. उसके बाद क्या होगा, x माइनस फाइव ग्रेटर इक्वल टू जीरो. उसके बाद देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं जो आपको पीडीएफ में नोट्स भेजता हूं उससे भी बेटर है कि आप जब क्लास में पढ़ाऊं उस टाइम आप उसको साथ साथ में नोट करें और वीडियो को रोक रोक के चेक कर लें, क्योंकि उससे आपको फायदा मिलेगा कि आपको क्लास वाली फीलिंग आएगी. और बीच बीच में मैं आपको मौका भी दूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको बाद में नोट कर सकते हैं. तो देखिए, अब यहां पे आया माइनस. अब हम जब इक्वेशन करते थे उस टाइम तो माइनस को डायरेक्ट जीरो में ट्रांसफर कर देते थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा. जब आपको वेरिएबल की साइड में नेगेटिव साइन दिखाई दे उस टाइम क्या करना है, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई माइनस वन. तो देखिए, माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव, और यहां पे आपका जीरो है और इन दोनों को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो हमने बोला था कि आपको जो साइन है उसको भी चेंज करना पड़ेगा. आपने साइन को चेंज किया है. उसके बाद देखिए, जो ग्रेटर देन इक्वल टू था वो किसमें चेंज हो गया, लेस देन इक्वल टू में चेंज हो गया. उसके बाद देखिए, माइनस और माइनस हट जाता है तो क्या बच गया, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस फाइव, और यहां पे क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो. तो कहने का मतलब ये है कि जब आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम आपको वेरिएबल की तरफ अगर नेगेटिव का साइन नजर आता है तो उसको रिमूव करने के लिए यही मेथड है कि बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय माइनस वन एंड चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी. तो जो ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ करता था उसको हम लेस देन इक्वल टू में चेंज कर दिया. अब हमारे पास क्वेश्चन एक तरीके से ये बना है, और ऐसा फॉर्मेट बनने के बाद आपको क्या करना है, देखिएगा. आप सीधे लाइन नंबर लाइन पे आ जाओ और यहां पे लिखो माइनस इन्फिनिटिव और यहां पर लिखो इन्फिनिटिव. इतना आपको जरूर समझ में आ गया होगा. अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो यहां से क्या आया, x इक्वल टू टू, ये अपने माइंड में रखो. और x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू फाइव, यानी टू और
वाइफ को इस तरीके से मेंशन कर दो। उसके बाद जो अपन प्लस माइनस के साइन यूज कर रहे थे, अगर इस टाइप का कोई भी फॉर्मेट दिखाई दे जहां पर सभी एक्स से स्टार्ट हो, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस सेवन, एक्स माइनस नाइन टाइप में, तो आप बिल्कुल डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस यूज कर दो। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। और इस मेथड को हम वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं। और ये आपको जब एरिया पढ़ाया जाएगा उस टाइम और ज्यादा तरीके में क्लियर किया जाएगा। उसके बाद देखिए, जब लेस देन इक्वल टू है तो यहां पर क्या आएगा, डायरेक्ट सर्किल आएगा। अब ये कैसे पता किया कि डायरेक्ट सर्किल आएगा, इस चीज का पता हमें लगा तो देखिए लेस देन इक्वल टू पे क्या आया, डायरेक्ट सर्किल है कंप्लीट। उसके बाद अब केवल और केवल क्या है, लेस देन इक्वल टू पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा हो ही नहीं सकता, आंसर होगा तो यही होगा। तो आप इसे लिख सकते हो, इसे क्या लिख सकते हो, आंसर x belongs to, मतलब x related है किससे, 2 to 5। अब देखो इस वाले ब्रैकेट पे क्या है, डार्क सर्किल, डार्क सर्किल होता है तो क्या करते हैं, क्लोज इंटरवल, तो ये लो लगा दिया क्लोज इंटरवल, ऐसे ही इस पे लगा दो तो अपना फाइनल आंसर क्या आया, 2 to 5। तो मेरा कहने का मतलब सीधा ये है, जब आपको क्वेश्चन दिया जाए उस टाइम वेरिएबल की जो साइड है उस साइड आपको कोई भी नेगेटिव साइन नजर नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव आता है तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय -1 एंड द चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। जैसे ही आपने चेंज किया, अब आपका क्वेश्चन ये ना रह करके आपका क्वेश्चन ये बन गया। और ऐसा बनने के बाद आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको अब हर चीज को लिखना नहीं है, अपने माइंड में करना है कि x माइनस टू इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू टू, यहाँ पे x इक्वल टू फाइव आया, आपको नंबर लाइन बनाई, माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी को आपने क्या लिखा, मेंशन किया, उसके बाद टू और फाइव लिया और उसके बाद प्लस माइनस प्लस कर दिया। उसके बाद देखा कि यहां पर लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है तो क्या होगा, नेगेटिव साइन, और जब नेगेटिव साइन है तो हमारा आंसर भी नेगेटिव साइन वाला ही होगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x belongs to क्या हो गया, 2 से 5 तक है। और जब डार्क सर्किल होता है तो हम कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, क्लोज इंटरवल, तो यहां पर भी क्लोज आया और यहां पर भी क्लोज आया। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है।